बच्चों देखो, ये एक टाइप का क्वेश्चन है, ये भी एक तरीके से किंग्स प्रॉपर्टी का ही क्वेश्चन है। कैसे? देखो अभी इवन और ऑड का तो दिख ही रहा है वैसे अपने को कि माइनस ए टू ए, तो हमारे दिमाग में आया था इवन ऑड, लेकिन इवन ऑड के क्वेश्चन भी किंग्स प्रॉपर्टी हो जाते हैं। ठीक है चलो, अब हमने इसको अलग अलग कर ही दिया है, तो हम इसे इवन ऑड से भी कर सकते हैं, किंग्स प्रॉपर्टी में भी हो जाएंगे। लेकिन ओके देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो है टर्म ये ऑड है, तो आप पता होगा वैसे काफ़ी फेमस फंक्शन है इवन और ऑड। हम कैसे चेक करते हैं? हम जितने भी एक्स हैं उनकी जगह माइनस एक्स लिख देते हैं, यहाँ माइनस एक्स, यहाँ भी माइनस एक्स, माइनस बाहर माइनस ऑलरेडी प्लस एक्स हो जाए, सेम तो नहीं बना, तो हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, ये ऊपर ऊपर नीचे कर देंगे इनको, तो अब क्या हो गया, एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, नहीं माइनस एफ ऑफ एक्स, तो मतलब फंक्शन इज ऑड, तो ये गया जीरो में, क्योंकि माइनस ए टू ए फंक्शन ऑड है तो जीरो हो जाता है। रही बात ये, इसे दो तीन तरीके से कर सकते हैं, अगर फ्रैक्शन पार्ट होता तो भी हम ऐसी एक ही मेथड लगाते। देखो क्या करते, पहले पहले आप किंग्स प्रॉपर्टी लगा दो। तो किंग्स प्रॉपर्टी क्या कहती है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट, तो इन दोनों का एडिशन जीरो हो गया माइनस एक्स, है ना, ए ए प्लस बी माइनस एक्स, एक्स की जगह, पता है ना आप लोग को, लास्ट वीडियो देखे होंगे तो रिवीजन हो गया होगा। तो ये देखो माइनस एक्स हो गया डी एक्स, तो अभी ये तो गया था, इसमें सिर्फ यही टर्म है, इसमें सिर्फ यही टर्म है, वन प्लस टू कर दो टू आए, तो माइनस वन बाई टू टू वन बाई टू, लिमिट दोनों में सेम है, बॉक्स ऑफ एक्स प्लस बॉक्स ऑफ माइनस एक्स। अब बच्चों ये प्रॉपर्टीज आपको पता होना चाहिए कि माइनस बॉक्स ऑफ एक्स क्या होता है, या तो ऐसा भी याद रख सकते हो कि इनका एडिशन दो होता है, या तो ज़ीरो होता है, अगर एक्स इंटीजर रहा तो ज़ीरो होता है, जैसे माइनस टू का बॉक्स माइनस टू प्लस टू एडिशन ज़ीरो, और अगर इंटीजर नहीं ही रहा तो माइनस वन होता है। ओके और यहाँ पर देखा जाए तो इंटीजर है नहीं, और इंटीजर होगा तो बीच में एक्स इक्वल टू ज़ीरो पे होगा, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एरिया ज़ीरो ही रहता है क्योंकि इंटीग्रेशन एरिया है, तो ये बेसिकली ये ज़ीरो ही, सॉरी सॉरी, ये माइनस वन ही हो रहा है क्योंकि कहीं इंटीजर है नहीं इनके बीच में, एक पॉइंट पे इंटीजर है, और एक पॉइंट पे इंटीजर होने से कुछ नहीं होता है, एक पॉइंट पे जो एरिया मिलेगा वो भी ज़ीरो होगा क्योंकि विड्थ ज़ीरो है, हाइट कुछ भी हो इंटीजर मिल जाएगा, फोर विड्थ तो बहुत कम है, तो ये माइनस वन ही होने वाला है, तो माइनस वन को इंटीग्रेट करते तो आपको आता है। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अभी देखो इस क्वेश्चन में फ्रैक्शन पार्ट भी होता ना, तो आप यही करते हैं, उसमें क्या होता है फ्रैक्शन पार्ट की भी यही ऐसी कुछ प्रॉपर्टी। माइनस वन, नहीं नहीं इसमें वन होता है, ओके ऑलवेज वन होता है ये, लेकिन इंटीजर पे नहीं होता, इंटीजर पे तो नॉन इंटीजर पे, इंटीजर पे तो जीरो हो जाएगा, फ्रैक्शन पार्ट का कोई मतलब ही नहीं, ठीक है, ये भी जीरो ये भी जीरो, फ्रैक्शन पार्ट ऑफ इंटीजर विल भी जीरो, तो उसका कोई मतलब नहीं, यही प्रॉपर्टी मेन। तो अगर ऐसा कुछ रहा ना, इससे हो जाएगा आराम से क्वेश्चन, आपको केसेस लेने की ज़रूरत नहीं है। जनरली क्या होता है, बॉक्स वाले क्वेश्चन जो होते केसेस वाले होते हैं, जैसे कि अगर मैं आप जीरो से नाइन दे दूँ रूट एक्स का बॉक्स, तो बॉक्स के अंदर रूट एक्स है, तो आप देखोगे रूट एक्स कभी कभी इंटीजर हो रहा है, तो आपको पता है कि ये वन पे होता है, ओके क्योंकि एक्स की जगह आप वन लिख दोगे तो इंटीजर हो जाएगा, फिर दूसरा इंटीजर कब होगा, वन टू फोर, फोर पुट करने पे इंटीजर आएगा टू, और वन पुट करने पे वन आएगा, फिर कहाँ होगा, फोर टू नाइन, नाइन पे आएगा और फोर पे आएगा, उसके आगे जाना नहीं है। तो जनरली बॉक्स के क्वेश्चन कैसे होते हैं, इंटीजर्स पे आपको तोड़ना पड़ता है, बॉक्स के अंदर कब इंटीजर हो रहा वो ध्यान देना है ना, तो ये
रूट एक्स की वैल्यू जीरो से वन लाई करेंगे, बॉक्स के अंदर जीरो से वन लाई कर रहा है क्योंकि देखो एक्स जो है जीरो से वन लाई कर रहा है, तो रूट एक्स जो है वो भी जीरो से वन लाई कर रहा है। तो बॉक्स के अंदर जो भी वैल्यू अगर कोई वैल्यू जीरो से वन लाई करी तो बॉक्स जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो हो गया। वैसे ही एक्स वन से फोर लाई कर रहा है तो रूट एक्स वन से टू लाई कर रहा है, तो ये टू हो गया। अब इसको नॉर्मल इंटीग्रेट करके वैल्यू पुट करना, और ये फोर टू टू, फोर टू नाइन जा रहा है तो रूट एक्स तो टू टू थ्री जा रहा है तो टू, ओ तेरी, ये वन हुआ था, वन से टू जा रहा था ना, और ये टू जा रहा है क्योंकि रूट एक्स कहाँ से कहाँ जा रहा है, क्योंकि एक्स फोर है तो रूट एक्स टू है, इस तरह से एक्स थ्री है, नाइन है तो रूट एक्स थ्री है, तो ये टू हो जा रहा है। तो इसकी वैल्यू ऐसे निकाल लेंगे, रूट एक्स पे जिस ज़्यादा इंटीजर हो वहाँ ब्रेक करना है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन मिले तो एक बार प्लीज़ कर लो सॉल्व। थैंक यू।